जो मानव तन तूने
बहुत ही सुंदर भजन हमने भावपूर्ण क्या बता दिया प्रथम पंक्ति में, बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे प्रभु के गीत गाया कर, फिर क्या बता दिया उसी के नाम की मस्ती सदा दिल में बसाया कर। अब ईश्वर के जो गुणगान हम करते हैं वो क्या बता दिया, बड़ी भावपूर्ण, बड़ी श्रद्धा से, भक्तिपूर्ण, इतने भाव विभोर हो जाएं कि ईश्वर के प्रेम में डूब जाएं, उसके रंग में रंग जाना, सदा क्या बता दिया, सदा दिल में उसी का रंग चढ़ा हुआ रहे। तो उसका रंग चढ़ा हुआ, इसका तात्पर्य पता है क्या है, जब व्यक्ति ईश्वर के नाम में, ईश्वर की भक्ति में डूबा रहता है हर समय, तब वो दुनिया के परपंचों से बच जाता है। दैनवी जो सांसारिक कार्य है वो तो वो भली भांति अच्छी प्रकार निभा लेता है, पर जो दुनिया के परपंच हैं, परपंच अर्थात ये छल कपट धोखा असत्य राग द्वेष बेईमानी, ये सारे परपंच हैं, इन परपंचों से व्यक्ति बच जाता है जब वो ईश्वर की भक्ति में डूबा रहता है। डूबा रहना अर्थात सदा उसके ध्यान में मस्त रहना, मगन रहना। परपंचों से वो व्यक्ति फिर फंसे गए नहीं ना, कैसे परपंचों में कब फंसा है, जब मन खाली हो, जब संसार का रंग
तब मन भी चढ़ जाएगा और फिर संसार का रंग कैसा है, असत्य राग द्वेष पक्षपात झूठ बेईमानी ये सब तो चलता है प्रकृति में संसार में, यही सब रजोगुण तमोगुण में क्या है, यही सब तो है। मात्र सत्व गुण में थोड़ा सुख है, सत्व गुण में सुख है, बाकी रज और तम में तो ये सब है, दुख है, मूढ़ता है, मूर्खता है, अज्ञान है। तो इसीलिए जब सत्व ईश्वर क्या है, सत्य है, सत्य ईश्वर में जब हमारा मन डूबा रहता है तब क्या होता है, हम इस परपंचों से बच जाते हैं। और इसमें एक सार गर्भित बड़ी सुंदर बात बता दी कि ये जो ईश्वर ने आपको बड़ी भाग्य से ये मानव तन मिला है, ये भगवान के रहने का मंदिर है, इसको सजा मंदिर की तरह। और मंदिर किसको कहते हैं, जब बाहर आप देखते हैं दुनिया भर में मंदिर है ना, उसमें क्या हुआ है, ईश्वर की भगवान की मूर्ति रखी है, उसको मंदिर कहते हैं। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, ये जो शरीर है वो हमारा ईश्वर का रहने का स्थान, ये मंदिर है, इस शरीर में ईश्वर विद्यमान है। तो इसीलिए इस शरीर को बाह्य और आंतरिक दोनों की शुद्धि मंदिर में क्या करते हैं, शुद्ध रखते हैं, स्वच्छ शुद्ध पवित्र रखते हैं, मंदिर में गंदगी और अशुद्धि नहीं होती। क्यों, क्योंकि वह वहां भगवान स्थापित हैं। तो यह जो शरीर है हमारा, इसमें सच्चा ईश्वर सत्य चेतन जो सच्चा सही स्वरूप है ईश्वर का, वो सच्चा वाला ईश्वर इस मंदिर में विराजमान है। इसीलिए इस शरीर को हमें बाह्य और आंतरिक दोनों तरह से इसको शुद्ध स्वच्छ साफ पवित्र रखना है। तो बाह्य शुद्धि तो जल से हो जाती है, नहाना धोना शौच आदि स्वच्छ वस्त्र आदि जल से हो जाते हैं। और इसके अंदर शरीर के अंदर जो खाद्य पदार्थ हम डालते हैं वो भी कैसे होने चाहिए, शुद्ध और पवित्र सात्विक अर्थात शाकाहारी भोजन लेना, अभक्ष्य खोराक मांस मदिरा इस शरीर के अंदर नहीं डालना, उससे शरीर अशुद्ध हो जाता है। और दूसरा पूरा पर्यावरण पूरा ब्रह्मांड भी अशुद्ध होता है। ये जब पशु पक्षियों को हम मार के खा जाते हैं, जब उनका कत्ल खानों में जब उसको काटा जाता है तो उनकी चीत्कार से पूरा ब्रह्मांड दूषित हो जाता है, पूरा पर्यावरण दूषित हो जाता है। तो इसीलिए ईश्वर के आदेश का उल्लंघन कभी नहीं करना, हर तरह से इस शरीर को भी शुद्ध रखता है और पर्यावरण को भी शुद्ध रखता है शाकाहारी भोजन लेना और जल से शरीर की। ये हो गई बाह्य शुद्धि। अब आंतरिक शुद्धि, तो अंतर हमारा अंतःकरण क्या है, मुख्य है मन बुद्धि आदि। तो मन मंदिर में ईश्वर विराजमान होते हैं ना, स्थापित होते हैं, विद्यमान है हमारे मन में। तो मन को भी स्वच्छ शुद्ध पवित्र रखना। तो मन अशुद्ध मन मैला किससे हो जाता है, असत्य अन्याय पक्षपात राग द्वेष ईर्ष्या अभिमान लोभ लालच आदि इन दुर्गुणों से ये जो हमारा मन है वो मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, अशुद्ध अपवित्र हो जाता है। तो अब आप सोचें, जैसे हम साधारण मनुष्य कभी कहीं बैठते हैं, एक कुर्सी पे भी बैठते हैं तो ध्यान पूर्वक देखते हैं कुर्सी साफ है स्वच्छ है तो हम बैठते, अगर वहां कुछ गंदगी है कुछ गिरा है तब हम उसको बैठने के योग्य नहीं समझते, हम वहां नहीं बैठते। तो आप सोचिए परम पिता परमेश्वर जो अपने मूल स्वभाव से सत्य है शुद्ध है पवित्र है, वो हमारे अशुद्ध मन में मैले मन में कैसे विराजमान होगा, कैसे बैठेगा। इसीलिए हमें यहाँ कितनी सार गर्भित बहुत अच्छी बात यह भजन में बताई गई कि हमें मन को
पूरे शरीर को बाह्य और आंतरिक शुद्धि, और उससे भी विशेष है तो आंतरिक शुद्धि का हमें ध्यान रखना है, अंतर को शुद्ध रखना है। क्यों? क्योंकि इस अंतर हमारे अंतर मन में ईश्वर विराजे। उसको और अच्छी बात बता दी कि ये जो ईश्वर है, क्या बता दिया, ये अंतिम बात बहुत अच्छी बता दी कि अरे क्यों दूर समझे है प्रभु के धाम की नगरी, वो तेरे पास ही अंदर, जरा गर्दन झुकाया कर। तो ईश्वर कहाँ है? पास है, निकट है। वो किसके लिए निकट है? ज्ञानियों के लिए, विद्वानों के लिए, धर्मात्माओं के लिए। ये एक मंत्र है ना, हमने यजुर्वेद मंत्र किया हुआ है, तदेजति तनेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास बायतः। अब इसका अर्थ क्या यही बनता है ना कि ईश्वर जो अज्ञानी है उनके लिए तो गति करता है, गतिमान है, इधर आता है जाता है, उतार लेता है आदि आदि, और जो वास्तव में ईश्वर का सही स्वरूप क्या है, गतिमान नहीं करता, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, हर जगह जो व्यापक है, जो हर जगह समाया हुआ है, वो आना जाना नहीं कर सकता। तो इस तरह से ईश्वर गति नहीं करता। और क्या बता दिया, ईश्वर निकट से निकट है। किसके? विद्वानों के, धर्मात्माओं के निकट है, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो अपनी आत्मा में स्थित ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। और जो अज्ञानी अधर्मात्मा है, वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, उनके लिए ईश्वर दूर से भी दूर है। इसके मंत्र के अर्थ में पता है क्या बता दिया, ऋषि कहते हैं कि अविद्वानों से, अधर्मात्माओं से जो ईश्वर है, करोड़ों वर्षों तक भी वो उनसे दूर ही रहता है, करोड़ों वर्षों तक भी उससे ईश्वर की प्राप्ति उनको नहीं होगी। जो लोग बाहर भागते फिरते हैं ईश्वर को ढूंढने के लिए, बाहर इधर उधर, कोई चौथा आसमान, कोई सातवें आसमान, कोई शिवलोक, कोई ब्रह्मलोक, कोई क्या पता, कोई क्षीर सागर आदि आदि जो बताते हैं, ये सब भ्रम करने वाली बातें। वेद की क्या बात बताई जा रही है, ईश्वर हमारे आत्मा के अंदर निकट से निकट है, वो सबसे अधिक निकट है। ईश्वर की आज्ञा का पालन करके जो विद्वान जन, धर्मात्मा लोग, योगी जन है, वो अंदर ही ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो इतनी सुंदर बातें बता दी, हमें एक मंत्र करना है, तो हम यजुर्वेद का मंत्र करते हैं। ओम अग्ने विटपते विटम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनिर्तात् सत्यम उपैमि। अब ये यजुर्वेद का प्रथम, पहले अध्याय का पांचवा मंत्र। तो इसका हम शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। तो क्या बता दिया, अग्नि वृत्तपते, तो क्या बता दिया, सत्य अग्नि वृत्तपते। अग्नि किसको संबोधित किया जा रहा है, वृत्तपते ईश्वर को। तो क्या उसको संबोधित किया जा रहा है कि हे धर्मों के पालन करने वाले, सत्य भाषण करने वाले और सत्य उपदेश करने वाले परमेश्वर, परमेश्वर को संबोधित किया जाए। वो सत्य व्रतों को पालन करता है ना, हमेशा सत्य पालक है और सत्य का उपदेश करता है। तो अग्नि वृत्तपते वृत्तम चरिष्यामि, वृत्तम चरिष्यामि अर्थात करूंगा, वृत्तम अर्थात क्या, सत्य बोलना, सत्य को मानना और सत्य करना, चरिष्यामि अर्थात करूंगा। अग्नि वृत्तपते वृत्तम चरिष्यामि तच्छकेयम, तच्छकेयम तत् अर्थात इस व्रत को, जो सत्य धर्म पालन करने का, सत्य बोलने का, सत्य करने का जो व्रत है, शकेयम अर्थात मैं इसको पालन करने में समर्थ हो जाऊं। तो क्या बता दिया, तन्मे राध्यताम, उस इस सत्य पालन करने में जो ये नियम मैं ले रहा हूं, ये जो सत्य व्रत, सत्य धर्मों को पालन करने का जो व्रत है, उस मेरे व्रत को राध्यताम अर्थात हे परमात्मा तू उसको अच्छी प्रकार से सिद्ध कर। परमपिता परमेश्वर से क्या प्रार्थना की जा रही है कि
हे परमपिता परमेश्वर, तू सत्य धर्म का पालन करता है और तू सत्य उपदेश करता है, तो मैं भी क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी सत्य धर्मों का पालन करूँ, मैं भी सत्य बोलूँ, सत्य को मानूँ और सत्य करूँ। अब इस मेरी इच्छा को पूर्ण करने में, मैं इस इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ हो जाऊँ, तो उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए क्या बताया जाए, राध्यताम, हे ईश्वर तू मेरे इस जो मैंने संकल्प लिया है सत्य बोलने का और सत्य धर्मों पर चलने का, उस संकल्प को दृढ़ करने का और उस पे चलाने का सामर्थ्य, उसकी शक्ति तुम्हें देनी है। इस मैंने जो ये व्रत लिया है इसको तुम सिद्ध करो, तुम्हारी सहायता के बिना, तुम्हारी शक्ति के बिना मैं इस धर्म को, सत्य धर्म को पालन नहीं कर पाऊंगा। यह प्रथम पंक्ति का अर्थ बता दिया। फिर दूसरी पंक्ति में छोटी सी पंक्ति है, इदम अहम, ये जो सत्य व्रत पालन करने का मैं व्रत ले रहा हूं, अनिर्तात, अनिर्तात अर्थात झूठ, झूठ से पृथक, झूठ से अलग, सत्यम, सत्य की जो व्याख्या, या देखो क्या बता दिए, सत्य की व्याख्या, सत्यम अर्थात वेद विद्या, प्रत्यक्ष प्रमाण, सृष्टि क्रम, विद्वानों का संग, श्रेष्ठ विचार तथा आत्मा की शुद्धि, सर्वहित तत्व अर्थात सिद्धांत के प्रकाश करने हारों से सिद्ध हुआ, अच्छी प्रकार परीक्षा किया हुआ, इसको कहते हैं सत्य। तो ये सारे सत्य की कोटि में आते हैं। देखो सत्य की जो परिभाषा है वो बहुत सी विस्तृत है, मात्र सत्य बोलना वो तो सत्य है ही, सत्य भाषण करना वो तो सत्य है ही, पर सारे के सारे जो दूसरी बातें हैं वो भी, सत्यपूर्ण व्यवहार करना, न्यायपूर्ण व्यवहार करना, सर्वहित कार्य करना, शुभ कर्म करना, ये सब भी ईश्वर की प्राप्ति करना, ध्यान उपासना करना, हवन यज्ञ, ये सब सत्य धर्म में के अंतर्गत आते हैं। तो इन सारे सत्य धर्मों का पालन करने की यहाँ बात बताई जा रही है, उपाय में अर्थात मैं प्राप्त हो जाऊं, मैं इन सारे सत्य धर्मों को प्राप्त हो जाऊं। तो अब यह सत्य की बात, तो जो यहाँ ये यजुर्वेद में बताई जा रही है, ये सारे के सारे शास्त्र, अथर्ववेद का भी हमने एक बार मंत्र किया हुआ है, सत्य अनिर्ता आवृता, सत्येन आवृता, अथर्ववेद का मंत्र है सत्येन आवृता, अर्थात यह जो मेरा जीवन है वो चारों ओर से सत्य से घिरा होना चाहिए, मेरा मन कभी भी असत्य उसका निवास नहीं होना चाहिए, मन में असत्य का निवास नहीं होना चाहिए, वाणी में असत्य का निवास नहीं होना चाहिए, और कर्म भी हमारे कभी असत्य नहीं होने चाहिए, इस तरह से अथर्ववेद का मंत्र किया है। फिर हम जो ये आचमन मंत्र करते हैं उसमें भी बताए क्या करते हैं, तीसरा मंत्र है ना, सत्यम यश श्रीमयी श्री श्रेयताम, तो इसका अर्थ क्या बताया गया है कि मेरे जीवन में मेरे अंदर सत्य यश और श्री का हमेशा शोभायमान हो, ये मेरे जीवन में हमेशा स्थापित रहे। तो सत्य, जब सत्य का आचरण मनुष्य करता है तो वो यशस्वी बनता है, यशस्वी तभी बनता है, और फिर जब सत्य आचरण से, नेकी से, ईमानदारी से जो वो धन कमाता है, श्री अर्थात जो वो धन प्राप्त करता है, वो धन उसके जीवन में सुखकारी होता है। तो इस तरह से हम इस तरह से समझते हैं। फिर ये मांडुक्य उपनिषद में ये भी हमने प्रथम बहुत पहले एक बार किया हुआ है, सत्यमेव जयते न अनिर्ता, सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही विजय होती है, सत्य को, जो सत्य का आचरण करता है वो ही मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करता है, अनिर्तात अर्थात असत्य, झूठ, झूठ का कभी भी सफल नहीं होता, झूठ कभी भी, हाँ मध्य में, बीच में क्या होता है, जब सत्य की परीक्षा होती है तब तो बीच में सत्य थोड़ा डोल जाता है, अर्थात लोगों को ऐसा लगता है देखो ये तो झूठ बोल रहा था, झूठ का, जो झूठा व्यक्ति होता है वो कई बार प्रथम थोड़े समय के लिए सच्चा लगता है, लोग भ्रमित हो जाते हैं, हाँ देखो ये सत्य कह रहा है, और जो बेचारा वास्तव में सच्चा था वो थोड़ी देर के लिए निर्बल,
थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, अंदर से ढीला पड़ता है, पर ये उसकी परीक्षा होती है। इस मंत्र में ऋषि समझाते हैं कि ये जो समय होता है, वो ये अवधि होती है, ये सत्य की परीक्षा होती है। जैसे आप देखिए, सत्य की ही परीक्षा होती है, जैसे सच्चा खरा स्वर्ण होता है, उसी को ही अग्नि में डाला जाता है, उसी को ही तपाया जाता है, उसी को ही काटा जाता है, और उसी को ही काट के दिखाया जाता है, उसी की परीक्षा होती है सत्य की। जो झूठा अर्थात मलम्मा, मुलम्मा एक मुलम्मा धातु होता है नकली, जिस धातु से नकली जेवर बनते हैं। अब उस नकली जेवर जिस धातु से बनते हैं, उसको आग में तपाने की आवश्यकता नहीं, उसकी परीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं। सबको पता है ये तो झूठा है, ये तो नकली है, उसकी तो कोई कीमत नहीं, वो तो सस्ता हर लारियों में वो जो नकली जेवर 5-5 रुपए 10-10 रुपए में आपको हर चीज मिल जाती है, उसकी कोई परीक्षा नहीं होती, उसका कोई मूल्य भी नहीं होता असत्य का, झूठ का। और सच्ची का ही जो होता है परीक्षा होती है। पर सच्चा परीक्षा के समय, यहाँ क्या समझाया जा रहा है, परीक्षा के समय उसको अपना सत्य मार्ग छोड़ना नहीं, डोलना नहीं, कोई बात नहीं, निर्बल कोई भी आपको सामने वाले कितना असत्य झूठा साबित करने का प्रयास करते रहें, पर आपको अपनी स्थिति में अडोल रहना, ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा और अपने स्वयं आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प। जो सच्चा होता है वो हमेशा निर्भय, किसी से नहीं डरता, उसको पता होता है मैं सच बोल रहा हूँ और मेरा जो मार्ग है वो सत्य मार्ग है, इसीलिए वो डोलता नहीं, घबराता नहीं, डर नहीं जाता और अपना मार्ग नहीं बदलता, डटा रहता है। तो इसीलिए क्या बता दिया, सत्यमेव जयते, इसीलिए अंत में सत्य की ही जय होती है और असत्य की अनिर्तात अर्थात झूठ, झूठ की कभी भी जय नहीं होती। अंत में तो झूठ साबित हो ही जाता है, भले उसके लिए कितना भी, कई बार तो थोड़ा समय लगता है, कई बार बहुत सारा लंबा समय लग जाता है, बेचारा व्यक्ति मर खप जाता है, उसके बाद उसकी बात सत्य साबित होती है कि अरे ये तो फलां व्यक्ति कितना झूठा था और वो सच्चा था, ये बात बहुत देर तक भी पर साबित होती है। अब देर सवेर इसीलिए बता दिया सत्यमेव जयते, सत्य का कभी भी मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना। और जब मनुष्य आजकल क्या हो गया है पता है, देखिए कभी कभी जो व्यक्ति सोचता है व्यापार में या बिना किसी कारण के, व्यापार तो छोड़िए, कई लोग तो अकारण ऐसे ही दंभ में झूठी झूठी बातें, जब देखो जब झूठ ही बोलते रहते अकारण, जिसमें कोई कारण ही ना हो तब भी वो झूठ ही बोलते हैं, तो ये जो झूठ बोलने की आदत, ये बहुत बुरी आदत है। ये महाभारत में शांति पर्व में क्या बता दिया, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं। तो सत्य जो है, सत्य भाषण, सत्य बोलना, वो सबसे बड़ा शुभ कर्म, सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या बता दिया, सत्य धर्म, सत्य को कभी नहीं छोड़ना, और असत्य सबसे बड़ा पाप है। असत्य बोलने से, एक असत्य बोलने से अनेक बहुत सारे दुर्गुण आपको आ जाते हैं। एक छोटा सा हम दृष्टांत समझ के बात को खत्म करते हैं। एक बार एक संत विद्वान जन गांव में गए प्रवचन करने, प्रवचन किया, अंत में बोले कि अब मुझे दक्षिणा दीजिए, तो सब लोगों ने अपने जेब में हाथ डालने लगे कि कुछ ना कुछ, तो तब संत ने कहा ना मुझे नोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी खोट चाहिए, जिसके अंदर जो जो खोट है वो मुझे दे दो। तो किसी ने बीड़ी पीना, बोला हम बीड़ी पीता हूँ, छोड़ दिया। किसी ने सिगरेट, किसी ने दारू, किसी ने पान मसाला आदि आदि जो जो था, सब ने कुछ ना कुछ, किसी ने मांस आदि मदिरा, छोड़ दिया। एक व्यक्ति सामने बैठा था, उसने कुछ नहीं बोला। संत जी ने पूछा क्यों भैया आप कुछ नहीं दे रहे, आप कोई अपनी खोट दीजिए। बोले नहीं महाराज जी मैं नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि मैं चोर हूँ, मैं चोरी करता हूँ और मेरे घर का परिवार का पालन पोषण मैं उसी चोरी से करता हूँ। तो संत बोले ठीक है तुम अपना काम करते रहो, पर एक व्रत ले लो कि मैं असत्य नहीं बोलूंगा, हमेशा सत्य बोलूंगा, ये व्रत तो ले सकते हो। बोला ठीक है, तो उसने वहां व्रत लिया, दृढ़ संकल्प किया कि मैं सत्य बोलूंगा, कभी भी असत्य नहीं बोलूंगा।
बस ये संकल्प उसने लिया और कुछ समय 4-5 घंटों के बाद जब अंधेरा हुआ, इसका काम था चोरी करने, तो चोरी करने निकला। अब पहले जमाने में राजा कुछ कुछ इतने अनेक राजा हुआ करते थे, वो वेश बदल कर और अपने राज्य का समीक्षा करते थे। तो राजा भी निकला और उसने देखा इस व्यक्ति कहाँ जा रहे, बोला चोरी करने, क्योंकि इसको तो सत्य बोलना था तो बोला चोरी करने। तो राजा ने समझा होगा कोई मदिरा बह गया, ऐसे कोई थोड़ी बोलता है। राजा निकल गया, वो भी चला गया महल में चोरी करने। दरबान सोया हुआ था, वो अंदर घुस गया, जो भंडार था उसमें एक बड़े बॉक्स था, उसमें 4 हीरे थे। उसने क्या सोचा, 4-4 नहीं लेना, 3 बहुत हो गए, 3 लिए 1 छोड़ दिया, बोला एक राजा के लिए भरे पड़ा रहे। तो और ऐसा करके फिर जब लौटा तो राजा मिला, कहाँ से लौट रहे हो, चोरी करके राजमहल से 3 हीरे चुराए। राजा ने फिर भी कोई ध्यान बोला, ऐसा कोई थोड़ी होता है, और राजा भी चला गया। वो चला गया, फिर सुबह में जब राजा को पता चला, खबर मिली कि भंडार में से 4 हीरे चोरी हुए हैं, तब राजा का माथा ठनका। रात वाली बात याद आई, उस व्यक्ति को बुलाया गया और उसको पूछा गया, बोला हाँ मैंने चोरी करने आया था, मैंने भंडार में से 3 हीरे लिए, सत्य बोला। तब राजा ने तलवार निकाली और जो दरबान था उसको बोला सच बता, चौथा हीरा कहाँ गया। वो तलवार के डर से वो सच दरबान बोला, बोला हाँ चौथा हीरा मैंने लिया। तब राजा ने क्या किया, उस दरबान को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि दरबान होके रक्षक होके भक्षक बना, और तनख्वाह भी लेता था, जिसको रक्षा करने की उसी को लूटा, असत्य बोला। और वो जो चोर था वो सत्य बोला। उससे उस राजा ने पूछा क्यों करते हो, बोले अपने परिवार के लिए, पोषण के लिए। बोला तुम्हारा परिवार का पोषण मैं कर दूं तो बोले तो फिर मैं क्यों चोरी करूंगा, फिर नहीं करूंगा। तब राजा ने उसको भंडार की रक्षा का काम सौंप दिया। और इस तरह से देखिए, एक सत्य का उसने जो संकल्प लिया, धारण किया, तो बाकी के सारे दुर्गुण अवगुण भी चले जाते हैं। तो इस छोटी सी दृष्टांत बोध कथाएं, ये सारी बोध कथाएं हैं। अब इस बोध कथा से हमें क्या सार मिलता है, तो हम भी एक सत्य बोलने का दृढ़ संकल्प, जो मैं बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य को मानूंगा और सत्य करूंगा। मात्र सत्य धर्म, वेद धर्म हमारा वो सत्य धर्म है, दूसरा इधर उधर नहीं भटकूंगा, मात्र सच्चे ईश्वर को मानूंगा। सत्य का अर्थ एक ईश्वर का भी होता है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर शुद्ध, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना, सत्य को पालन करना, ये भी अर्थ बनता है। सत्य का पालन करने का अर्थ है ईश्वर को प्राप्त करना, सच्चे ईश्वर, जब तक वो सत्य ईश्वर प्राप्त नहीं होता, तो उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो हम ये सारे शुभ कर्म करते हैं, सत्य बोलना, सब हितकारी, सबका हित करना, सत्कर्म करना, ये सब ईश्वर प्राप्ति के ही तो साधन है। तो इन साधनों को करते रहना है, क्यों, क्योंकि हमें सत्य को, ईश्वर को प्राप्त करना है। वास्तव में सत्य तो परम पिता परमेश्वर है, उस सत्य को हमें प्राप्त करना है। और उस सत्य ईश्वर प्राप्त करने के लिए सारे सत्य साधनों को, सत्य धर्मों को हमें उसका अच्छे से पालन करना है। जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं, तो उस दृढ़ संकल्प में फिर हमने इस मंत्र के माध्यम से क्या मतलब मांगा, ईश्वर से भी मां सहायता मांगी, राध्यताम, हे ईश्वर तू मेरे इस जो मैंने सत्य बोलने का संकल्प किया है उसको सिद्ध करने में तू मेरी सहायता कर, मुझे शक्ति दे, मैं हमेशा हर हाल में हर समय जो भी परिस्थिति आए मैं हमेशा सत्य बोलूं, जो भी होगा देखा जाएगा पर बोलूंगा तो सत्य ही। इस तरह से और सत्य का एक अर्थ महर्षि पतंजलि ने ये बता दिया है, जो अष्टांग योग में यम पहला अंग यम है, उसमें भी सत्य का स्थान है। तो सत्य का अर्थ पता है क्या बताया है, जैसा मन में है वैसा वाणी से बोलो, और जैसा वाणी से बोला वैसा कार्य करो। अर्थात मन वाणी और कर्म तीनों में समता, समन्वय, एकता हो। आजकल क्या देखा जा रहा है, मन में तो कुछ और है, वाणी से तो कुछ, कर्म तो कुछ और ही कर रहे हैं, तीनों अलग अलग। तो इस तरह से महर्षि व्यास ने इसका अर्थ किया कि तीनों की समता होनी चाहिए, तीनों की समानता, मनसा वाचा कर्मणा, सत्य का पालन करना। आज का मंत्र एकदम सरल, बचपन में हमें स्कूल में भी ये बातें पढ़ाई जा रही है,
सत्य बोलना, ये तो सारे संसार में सब सारे धर्म सारे शास्त्र सहमत हैं, पर फिर भी मनुष्य सत्य नहीं बोलता। कारण से तो असत्य बोलता है, अकारण भी असत्य बोलता है। तो हम आज ये निर्णय दृढ़ संकल्प करें कि हम कभी भी जीवन में असत्य का व्यवहार नहीं करेंगे, असत्य व्यवहार नहीं करेंगे, सत्य का आचरण करेंगे। हमारा समय हो चुका, आगे का हम अगली बार। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शांति रेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।